गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शांति कोरी ब्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबको नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कन्या पूजन है, अब हम कन्या पूजन की भोग की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर आप लोग भी हमारे साथ शामिल होइए। आज कन्या पूजन के भोग के लिए मैं आलू की सब्जी, काले वाले चने और हलवा बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, आलू हमने पहले से उबाल लिए हैं, काले वाले चने ये भी हमने उबाल रखे हैं, टमाटर चार हमने बारीक काटे हुए हैं, जीरा, कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया गार्निश के लिए। हलवे के लिए हमने दो कटोरी सूजी ली है, गोला हमने कद्दूकस किया हुआ है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और चीनी। चलिए फिर बनाते हैं। फिर पहले मैं आपको काले वाले छोले बना के दिखाती हूँ। हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम एक चम्मच जीरा डालते हैं, अब इसमें काले वाले छोले डालते हैं। नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मिर्च थोड़ी डालनी होती है, बच्चे ना खा नहीं पाते ना, छोटे बच्चे होते हैं खा नहीं पाते हैं। आधा चम्मच आमचूर पाउडर, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे छोले तैयार हो चुके हैं, ये अब गैस बंद कर देते हैं। इसमें हरा धनिया डाल दो थोड़ा। अब आलू की सब्जी बनाते हैं। हमने आलू की सब्जी के लिए तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम आलू मेश लेते हैं। आलू ज्यादा छोटे नहीं करने हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब जीरा डालते हैं इसमें, डेढ़ चम्मच, कस्तूरी मेथी, टमाटर डालते हैं, टमाटर अच्छे से मिक्स कर लो इसमें। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब हमें टमाटर को अच्छे से गलाने हैं। अब हमारे टमाटर गल चुके हैं, देखिए मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, देखो कितने अच्छे मसाला भुन गया हमारा। देखो अब इसमें हम आलू डालते हैं, जो आलू हमने पहले से मेश कर रखे थे। अब आलूओं को अच्छे से हमें मिक्स करना है मसाले में। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो सब्जी हमारी कितनी बढ़िया लग रही है, देखिए। अब इसमें हम पानी डालते हैं, पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। मैं तो थोड़ा ज़्यादा पतले नहीं बनाती तरी, थोड़े गाढ़ी ही रखती हूँ सब्जी, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अब इसे थोड़ी देर पकने देते हैं।
अब हमारी सब्जी बन चुकी है, इसमें अमचूर डाल रहे हैं हम, देखो, क्योंकि हमें खट्टी सब्जी पसंद आती है ना। अगर आप लोगों को डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखो कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी हमारी, देखो देखो कितना बढ़िया कलर आ रहा है सब्ज़ी में, देख रहे हो। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसमें हरा धनिया डालते हैं। हरा धनिया डाल दिया, देखो हरे धनिया डालने से इसमें सब्ज़ी को और अच्छे देखने में और अच्छी लगती है। अब इसके बाद हम हलवा बनाते हैं। कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा दी है, अब हम इसमें सूजी भूनते हैं। जो हमने 2 कटोरी सूजी छान रखी थी, अब इसे हमें अच्छे से भूननी है। सूजी को हमने चलाते रहना है, क्योंकि सूजी का अगर हम चलाएंगे नहीं तो जलने का वो रहता है इसमें चांस, तो इसे हमें हल्के हल्के हाथों से चलाते रहना है जब तक सूजी ब्राउन नहीं हो जाती है हमें। अब हमारी सूजी भुन चुकी है, देखो लाल हो चुकी है सूजी हमारी, ब्राउन कर दी हमने। और हमने हलवे में डालने के लिए पानी गर्म करने के लिए भी पहले से चढ़ा दिया था, पानी भी गर्म हो चुका है। अब इसमें घी डालते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना। सूजी में घी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अब इसमें हम गर्म पानी डालते हैं, हल्के हल्के हाथों से इसे हिलाते रहिए। आपको ऐसे चलाते रहना है इसे। बादाम हमने बारीक कूट रखे हैं, अब इसे डालते हैं। अभी इसे हम थोड़ी देर पकने देते हैं। चीनी डालते हैं, चीनी आपको जितना मीठा खाना हो उतना डालना अपने हिसाब से। मेरे घर में तो मीठा ज्यादा खाते हैं, तो इसमें मैं चीनी ज्यादा डालती हूँ। चीनी अच्छे से मिक्स कर लो। अब इसे थोड़ी देर हम पकने देते हैं। गर्म पानी से डालते हैं कि हलवा जल्दी पक जाता है। अब हमारा हलवा देखो कितना बढ़िया हो गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है हमारा। किशमिश डालते हैं इसमें हम, क्योंकि किशमिश हम बाद में इसलिए डालते हैं, पहले नहीं डालते कि वो फूल जाती है, तो इसलिए हम बाद में डालते हैं किशमिश। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लो किशमिश को। अब सूखा वो डालते हैं जो हमने कद्दूकस किया हुआ है, नारियल। नारियल डालने से देखो कितना अच्छा और भी अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत स्वाद लगता है ये। देखो कितना बढ़िया हलवा बन गया हमारा, देखो हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाद पूड़ी बनाते हैं। हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, तेल गरम हो चुका है हमारा। अब हम पूड़ी बनाते हैं। पूड़ियाँ देखो हमारी कैसे फूल रही हैं। बाकी की पूड़ियाँ भी हमें ऐसे ही बनानी है। अब हम पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हम भोग लगाएंगे माता का।
अब हमारा भोग तैयार हो चुका है, अब हम माता रानी को भोग लगाते हैं। देखिए हमने माता रानी को भोग के लिए थाली देखो कैसे सजाई है। हमारा भोग लग चुका माता रानी का, अब हम कंजकों को खिलाते हैं। अब हमारे घर में कन्याएं आ चुकी हैं। मेरी बेटी देखो तिलक लगा रही है कन्याओं के, कन्याएं भी बहुत मुश्किल से मिली थी। मैं देखो कलावा बांध रही हूँ, आगे आगे मेरी बेटी तिलक लगा रही है कन्याओं को, और पीछे मैं सबके कलावा बांध रही हूँ। देखो जगह कम है ना, तो इसलिए खिसक खिसक के हम लोग कलावा बांध रही हूँ। अब देखो सबके मैं कलावा बांधूँगी, और पैर छू रही हूँ। एक तो कन्या ही नहीं मिल रही थी हम लोगों को, बड़ी मुश्किल से मिली है। कन्याएं भी थोड़ी हैं, ज़्यादा भी नहीं मिली हमें, चार पांच कन्या मिली है, क्या करें। हमने कन्या पूजन तो कर लिया है, अब हमारी दीदी है एक, उनके यहाँ कीर्तन में जा रहे हैं। चलिए फिर आप भी चलिए हमारे साथ कीर्तन में। चलिए फिर चलते हैं। कीर्तन से घर आ चुके हैं और आज बहुत ज्यादा थक गए हैं हम लोग। अब अपना ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, कन्या पूजन जो भी अच्छा लगा आपको, मेरे को कमेंट करके बताना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।